आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और उससे हमारे जो किसान भाई हैं वो किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भारत में हर वर्ष प्राकृतिक आपदा के चलते किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और वो नुकसान बाढ़, ओले, भारी बारिश और भारी सूखा की वजह से उठाना पड़ता है। इन्हीं सब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसान भाइयों की फसल पूरी तरह खराब हो जाती है और उसकी पूरे साल की मेहनत एकदम से बेकार चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना को 13 जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। इसके लिए किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं में जो किसानों के नुकसान होते हैं, जो बीमा प्रीमियम है उसे बहुत कम रखा गया है। तो किसान भाइयों, वो कम क्यों रखा गया? वो कम इसलिए रखा गया है कि वो हर किसान के पहुंच और पकड़ में हो। थोड़ा सा भुगतान करने पर उसकी श्योरिटी हो जाती है, उसकी फसल की श्योरिटी हो जाती है और हमारा जो किसान है उससे वो लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि इसमें किसान भाइयों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC इस योजना को चलाती है। तो किसान साथियों, अब जान लेते हैं कि हमारी केंद्र सरकार इस योजना को किस लिए चला रही है और उसके उद्देश्य क्या हैं और उससे वो हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा पहुंचाना चाहती है। किसान साथियों, प्राकृतिक आपदा से किसान पूरी तरह टूट जाता है, उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और वो बिल्कुल भी निडाल हो जाता है कि अब क्या करे, कैसे करे। और एक तो प्राकृतिक आपदा, दूसरा क्या है कि कीड़े और रोग। अभी आपने सुना कि टिड्डी दल आया और उसने बहुत फसल बर्बाद की, बहुत नुकसान किया। तो ऐसी स्थिति में किसानों को फसल बीमा कवर देना और वित्तीय सहायता देना इस योजना का मेन उद्देश्य है। तो किसान साथियों, जैसे बार बार प्राकृतिक आपदा आ रही हैं और बहुत सारी परेशानी खेती में आ रही है, उस वजह से किसान भाइयों की रुचि इससे हटती जा रही है और वो सोचते हैं कि भाई ये तो घाटे का सौदा हो गया। उसी कड़ी में इस योजना का दूसरा उद्देश्य यह भी है कि किसान भाइयों की इसमें रुचि बनाए रखना और उनको एक निश्चित आमदनी का लाभ देना या उन्हें वो निश्चित आमदनी जो है उपलब्ध कराना। आज भी हमारे किसान भाई ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहे हैं और वही पुराना ढर्रा है और वही पुरानी तरकीबें हैं और वही पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो इस योजना का तीसरा उद्देश्य यह भी है कि किसानों को इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी और नई पद्धति के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आगे बढ़ाना। इस योजना का चौथा उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में लोन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना। किसान साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में काम आने वाली कुछ अन्य बातों के बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, बीमे की रकम का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा से खराब हुई हो। किसान साथियों,
दावा भुगतान में देरी ना हो, इसलिए फसल काटने और उसके आंकड़े जुटाने के लिए और उसे साइट पर अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन, ड्रोन और जीपीएस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसान साथियों, आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि हम उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो हमारी भारत सरकार ने विभिन्न कंपनियों से तालमेल बैठा के उसके प्रचार और प्रसार का पूरा इंतजाम किया है और इसमें एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप बनाया है। वेबसाइट का लिंक और मोबाइल ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां जाके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और जान सकते हैं। जल्दी ही हम एक दूसरी वीडियो लाएंगे जिसमें आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि इस मोबाइल ऐप को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यही आशा करते हैं। तो किसान साथियों, आपने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जाना। अगर ये मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।